all been waiting for, sir. You are the musical maestro of our industry. Yes, a person who has been inspired by his father for so long that he took up music and he became a legend in the same. Ladies and gentlemen, I'd just like to tell you that he उसके अलावा भारत में अपनी संगीत देकर इन्होंने इतने बड़े बड़े गाने तैयार किए हैं, मर्दानी से लेके लेडीज वर्सेस रिकी बहल, कुर्बान, फैशन, रब ने बढ़ा दी जोड़ी, क्रिश मोरा, ये तो सब शुरुआत ही है. माई गुडनेस, दिस मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन. आप किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है. आई वुड लाइक यू टू एड्रेस द क्राउड सर, संबोधित करें आप उस ऑडियंस को जो आपको तहे दिल से बेशुमार प्यार करते हैं. Wow. सलीम, क्या कहूँ, स्पीचलेस. इतना अच्छा इंट्रोडक्शन तो मैंने कभी सुनाई नहीं है. सो थैंक यू सो मच, आप तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मैंने इतनी तारीफ सुनी है इस आज के बच्चों की कि बहुत बहुत टैलेंट है और बहुत कमाल का हुनर है इनमें. और मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे टैलेंटेड किड्स के साथ शामिल हो जाता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी आज कुछ सीखने मिलने वाला है. यू नो, हमेशा एज अ जज सामने बैठकर सुनने के साथ साथ सीखने बहुत मिलता है. बिकॉज म्यूजिक चीज़ ही एक ऐसी है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी जॉनर में हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो फिल्मी गीत हो या कुछ भी हो, बहुत सीखने मिलता है. और ख़ासकर बच्चों से, बिकॉज सभी में एक ऐसा टैलेंट है. सीखने से सब सीख ही जाते हैं कुछ ना कुछ, बट जो एक्चुअल टैलेंट होता है वो ऊपर वाले की देन होती है. और वो हर किसी स्पेशल किड में, वो हर किसी बच्चे में वो स्पेशल चीज़ होती ही है. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के सुनने के लिए सबको कि कौन कौन से किड में कौन सा क्या टैलेंट है. एब्सोल्युटली. एंड सलीम सर, मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूँगी. एक चीज़ में सक्षम होना तो एक बात होती है, लेकिन इतनी चीज़ों में सक्षम होना कोई आसान काम नहीं होता है. ही इज अ माइस्ट्रो इन पियानो प्लेइंग एज वेल. लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक इन लंदन से इन्होंने, जी हाँ, तो से क्या प्रेरणा आपने हासिल की कि आप आज दुनिया के, विश्व के, जी हाँ, उस सितारे में अपना नाम मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ और हमेशा रहूँगा. जी मैम, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन. हाय, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा भट्ट और हम यहाँ पे आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आए हैं. और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडियाज एमर्जिंग टैलेंट पावर्ड बाय फन किड्स इंडिया का शो है. इसमें मैं सुपर गर्ल तारा बन के लॉन्च हुई हूँ. और तारा के पास 5 एलिमेंट्री पावर्स हैं. सॉइल है, एयर है, स्पेस है, फायर है, वाटर है. और शी इज़ ब्लेस्ड बाई नेचर, बाई बर्थ. शी इज़ हैविंग अ हीलिंग कैपेसिटी दैट शी कैन हील एवरी वन एंड शी कैन ओपन एन पोर्टल वेयर शी कैन डू मैजिकल वंडर्स. एंड सून वील टेल यू लेटर ऑन, इट्स अंडर द प्रोसेस दैट वट वी बी कमिंग अप विद द तारा इन द फ्यूचर. तो आज आपके यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस भी रखी गई है क्या? नहीं, आज मेरे यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस नहीं रखी गई थी. मुझे बस फेलिसिटेट किया गया था, लॉन्च किया गया था. और मैं थोड़ा सा इंट्रैक्शन की बच्चों से और जो प्रिंसिपल्स और टीचर्स आए थे. एज आज यहाँ पे प्रिंसिपल टैलेंट शो भी था और टीचर्स टॉक शो भी था और टीचर्स टैलेंट शो भी था. तो इसीलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और मैंने उनसे थोड़ी सी बातचीत की थी. अच्छा, आज आप यहाँ हैं, कहीं अदर जगह भी जाते होंगे, क्या अलग लगा ऑर्गेनाइजेशन में, कैसा माहौल? हम स्कूलों में गए थे प्रमोशंस के लिए. वी वेंट टू वेरियस स्कूल्स फॉर प्रमोशंस. हम लोग आर्ट इंस्टीट्यूट्स भी गए थे प्रमोशन के लिए. दिस इज़ समथिंग वेरी बिग बिकॉज एज यू नो कि स्कूल्स में इतना बड़े पैमाने पे परफॉर्मेंस नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पे फन किड्स इंडिया ने इंडियाज एमर्जिंग टैलेंट एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे वो 19 ईयर्स के अंडर बच्चों को अपना टैलेंट शो करने का
मौका दे रहे हैं, ये बहुत ही ग्रैंड बात है। और हमारे जो सीईओ एंड फाउंडर हैं गगन राणा जी, उन्होंने मुझे भी अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं सुपर गर्ल तारा का रोल परफॉर्म कर पाऊँ। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे गगन जी को? गगन जी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, ही इज़ अ वेरी ग्राउंडेड मैन, एंड विश हिम गुड लक विद हिज फ्यूचर एंडेवर्स विद हिज तारा, एज आई एम ऑल्सो डूइंग द रोल ऑफ तारा, सो विश हिम वेरी गुड लक एंड ऑल द बेस्ट टू मी ऑल्सो एज वेल। थैंक यू वेरी मच। जी सर, सबसे पहले अपना नाम और परिचय बताइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम एहतिशाम है, मैं फन किड्स इंडिया के लिए एज ए इवेंट मैनेजर काम करता हूँ। और जिस इवेंट को आज आप कवर करने आए हैं, इसका नाम है फन किड्स इंडियाज़ प्रेजेंट, इंडियाज़ एमर्जिंग टैलेंट, जो देश भर के बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर वो अपना टैलेंट शो कर सकें, चाहे वो डांस से हों, चाहे वो सिंगिंग से हों, चाहे वो किसी भी अदर टैलेंट को। ये फन किड्स इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर उम्र के बच्चों को आगे भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहां पर आप हर किस्म का टैलेंट शो कर सकते हैं, और आज भी दे रहा है। और इसी को आज आप कवर करने आए हैं, जिसमें सलीम मर्चेंट एज ए जज आए हैं, मिस्टर गगन राणा जो इस कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों का और नसीम जी का खास करके कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर आज और हमें कवर करने आए। विनर्स के लिए कुछ इनाम वगैरह भी? विनर्स के लिए इनाम यहाँ पर है अप टू 2 लाख रुपीज़, जो कि यहाँ पर जस्ट इस इवेंट के बाद अनाउंस होगा। इस अनाउंसमेंट में सलीम मर्चेंट खुद भी रहेंगे, हमारे सीईओ और फाउंडर गगन राणा भी रहेंगे। जी, तो ये बच्चे कहाँ से ढूंढ के लाए आप, कहाँ से? इन बच्चों की तलाश हमने शुरू करी थी 2021 में। देश के अलग अलग कोने में हम गए, अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग वेन्यूज़ पर हमने ऑडिशंस किए। उनमें से हमने 100 लोगों को छांटा। उन 100 बच्चों के साथ जनवरी में हमने एक सेमीफिनाले किया। उस सेमीफिनाले में से हमने फिर और फिल्टर किया, जो कि 20 फाइनलिस्ट निकल गए, जो अभी यहाँ पर अंदर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक सर, सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम गगन राणा है, आई एम द फाउंडर ऑफ फन किड्स इंडिया एंड फन इंडिया। हम लोग एक रियलिटी शो बेस बिजनेस हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को जैसे लोग हमें कहते हैं कि आप लोग एक डिज्नी ऑफ इंडिया की तरह हैं। तो हमारा रियलिटी शो है इंडियाज़ एमर्जिंग टैलेंट है, तो सीज़न 2 में है, जिसका आज ग्रैंड फिनाले है, जिसमें मैं और सलीम मर्चेंट साहब वो जज हैं। और हमने उससे पहले प्रिंसिपल टैलेंट शो भी किया था, वो भी सीज़न 2 में हमारा हो गया है। और टीचर्स टैलेंट शो हमने स्टार्ट किया है, जो बहुत अच्छा शो बन रहा है। और एक नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं, वो है हमारा सुपरगर्ल तारा। और सुपरगर्ल तारा एक नया कैरेक्टर है, जिसमें 5 एलिमेंट्स रहेंगे अर्थ के, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। तो 5 एलिमेंट्स हम लेके आ रहे हैं कैरेक्टर में, जैसे डिज्नी की बारबी है, फन किड्स इंडिया की सुपरगर्ल तारा है। तो ये सब दिमाग में कैसे आया, शुरुआत कैसे हुई आपकी इन चीज़ों? ये जैसे क्या होता है, जब एज ए बिजनेस पर्सन राइट, आपको ना मेरे से पीछे हटके देखना पड़ता है कि यार लोगों को क्या चाहिए। तो कई बार होता है कि आपको ना क्रिएटिविटी ही लानी पड़ती है। तो धीरे धीरे अगर कुछ ऐसे ये काम नहीं हुआ, वो आपको छोड़ ट्राई करते हैं। तो हम वी आर आर टीम इज़ वेरी क्रिएटिव। हमें लगा भैया कि बार भी कर सकती है, डिज्नी कर सकता है बार भी, तो फन किड्स इंडिया भी कर सकता है। और हम कोशिश करेंगे उनसे बेहतरीन करने का। और ये हमारे जो क्रिएचर है, हमें लगता है डिज्नी की कोई भी हो, दे आर गुड पीपल, वेरी नाइस पीपल, बट थोड़ा बायस्ड हूँ मैं। मेरी कंपनी है सुपरगर्ल तारा, इज बेटर देन एनी कैरेक्टर इन द वर्ल्ड। सलीम जी आए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे सलीम जी, क्या फीडबैक है उनसे? No, he's amazing. Salim is great. He's very supportive, very nice person, and he's a master of singing. Director बहुत अच्छे हैं म्यूजिक के वो, और आप तो जानते हैं उनकी आवाज़, यू नो, दुनिया दीवानी है। यू नो, चक दे माई गॉड, यू नो, तुझ में रब दिखता है, what a song he has sung, you know, he's just amazing. तो सलीम जी ने आपको अभी तक क्या फीडबैक दिया शो के लिए आपके? ही इज़ सो हैप्पी कि भी हमारा जो रियलिटी शो है, इज़ अ काइंड ऑफ रियल शो, राइट? ऐसे नहीं कि कुछ पीछे हो रहा है, सब सामने हो रहा है। आप ओपन स्टेज पे, स्कोरिंग भी ऊपर हो रही है, सब कुछ क्लियर है। ऐसे नहीं कुछ हम पीछे बैकडोर कुछ कर रहे हैं, नहीं। सबको वी हैव टू गिव अमेजिंग वो कहते हैं ना, अमेजिंग स्कोरिंग। एंड सलीम जी इज़ वेरी हैप्पी विद दैट, एंड ही इज श्योर दैट कि इमर्जिंग टैलेंट के लिए ये जो हमारा शो है, ये बहुत बढ़िया है।